आज देश में तीन बहुत महत्वपूर्ण इश्यू जो है वो देश की जनता के सामने खड़े हुए हैं। पहला इश्यू ये है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है उसकी हालत ठीक नहीं है, और जब देश में जीएसटी इम्प्लीमेंट की गई थी तो उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सलाह दी थी कि जीएसटी जो है गलत तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है। आज जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, और इस बात को हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके हस्बैंड ने भी ये सलाह दी है कि उस समय जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय जो पॉलिसीज थी उनको रीड करना चाहिए था, उनको फॉलो करना चाहिए था, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूती दी जा सके। देश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब कमजोर पड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज देश में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, और देश में महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है, और साथ में आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इश्यू है कि लोग असुरक्षितता का माहौल लोगों में खड़ा हो गया है। लोगों का जो जमा पूंजी है, हार्ड अर्न मनी जो है, वो बैंकों में जमा है, और बैंक पासबुक पर लिख कर दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के पैसे की गारंटी बैंक नहीं लेता है। लोगों ने सारी जमा पूंजी जो है उसकी गारंटी अगर सरकार नहीं ले रही है तो लोग कहां जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि ठीक नीतियां बनाए, ठीक पॉलिसीज बनाए।